ये बताइए, ये बताइए, आप अभी बात कर रहे थे सड़क की, उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन मैं इसी रास्ते से अभी आ रहा था, कितने मुक्त हैं ये? अरे एका छोड़ा ही तो माल लाना यार, हाईवे जाके देखो, हकीकत की बात मैं कर रहा हूँ। ये बताइए, जैसे बेरोजगारी लोग कह रहे हैं, कहाँ कब रोजगार रहा, कौने जमाने में रोजगार रहा? आज हर घर में एक घरे में चार ठी मोटरसाइकिल है, पहले साइकिल नहीं जुआत रही, कहाँ महंगाई है बतावा। साथियों नमस्कार, जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसमें चुनावी माहौल भी जो है गर्म हो चुका है। हम इसमें मौजूद हैं फाफा मऊ विधानसभा पे, विक्रमाजीत मौर्य जी विधायक हैं, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी 30,000 वोटों से हारी थी और समाजवादी पार्टी जो है 20,000 वोटों से हारी थी, और यहाँ पे चुनावी माहौल के बारे में जानने के लिए आए हैं, क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हमारे साथ में यहीं पे चौराहे पे कुछ लोग बैठे थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या माहौल है कैसा माहौल है, चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, जो है 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या करेंगे? जी जी जी, तो 2022 का जो चुनाव है, इस तरह तो जो है धीरे धीरे माहौल गर्म होता जा रहा है, लेकिन कुछ बातें ये हैं जो पूर्व शासन काल देखा जाए तो पुराने से जो शासन काल देखा जाए तो सुकून तो हम लोगों को जो है बसपा में मिलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून गरीबों को भी सही तरीके से जो है उनको संरक्षण मिलता था, कोई डर भय नहीं था किसी प्रकार का। और आजकल देखा जाए तो तरह तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ चुके हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं जगह जगह, इससे ऐसा लगता है कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे सुरक्षित नहीं हैं। और प्लस ये जो है भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, शिक्षा, बेरोजगारी, तरह तरह के, देखिए छोटा छोटा जो है ये लुभावना लालचपन देने से। लालचपन की बात करें तो जो है वर्तमान सरकार जो है आपको राशन दे रही है, इसमें जो है इसमें कार्ड बन रहे हैं, श्रम कार्ड से फ़ायदे दे रही हैं, क्या फ़ायदे नहीं हैं ये फ़ायदे? ये देखो टिकाऊ नहीं है, ये कुछ पल के लिए है। भोजन 5 किलो राशन से हम कितना खा सकते हैं? एक एक घर में चार चार पांच पांच सदस्य हैं, कितने दिन उसको खा सकते हैं? 5 किलो राशन तो एक सदस्य भी नहीं एक महीने चला सकता है, तो ये राशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम अपना प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो जाएगा, हर घर में पढ़ने लिखने के लिए उनको सरकार मुहैया कराए, सुविधाएं मुहैया कराए, तो अपने आप वो सक्षम हो जाएंगे, तो अपने आप वो खरीद सकते हैं, अच्छी तरह से कमा खा करके अपना कमाने लगेंगे, तो अर्निंग करने लगेंगे, तो खुद ही अपना वो राशन। वर्तमान सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो बहुत ज़ोरदार बढ़ी हुई है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जो है देखा जाए तो बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा पाए, कितना कोरोना काल से भी प्रभावित हुए, और विद्यार्थियों के लिए अभी विद्यार्थियों को जो है टेबलेट बांट रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक सरकार बांटी थी, पिछली सरकार जो सपा सरकार बांटी हुई थी टैबलेट, उसको देख करके ये लोग भी लुभावने लालच दे रहे हैं कि हम लोग भी इस तरह से बताइए देख करके एक दूसरे को देख करके ये योजनाएं ला रहे हैं, तो ये हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक तरह से एक लालच और लुभावनापन है जिससे आकर्षित कर रहे हैं लोगों को, जनता को आकर्षित कर रहे हैं, और ये इसमें पढ़ना नहीं है। हम लोगों को समझना है कि जो टिकाऊ हो, जो मतलब ऐसा जिसमें संरक्षण भी मिले और जिसे जिसमें हम लोग बहुत महसूस करें, एक ऐसा खुशहाली महसूस करें, ठीक है, खुशहाली महसूस करें, प्रत्येक बच्चा अच्छी तरह से उसको सपोर्ट मिले, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। बात रही बेरोजगारी की, बेरोजगारी पर बात होगी लगातार, इस तरह से महंगाई की बात करें, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, 200 रुपए लीटर पेट्रोल ये हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, और 100 रुपए क्रॉस कर रहा था अभी पेट्रोल, और ये बताइए कि लगातार, और सीएनजी भी बढ़ गया, और ये देख लीजिए आप जो है अभी लोग बोलते हैं सिलेंडर हाँ रसोई गैस महंगा हो गया है। हाँ रसोई गैस भी लगातार बढ़ते चला आ रहा है, पिछली सरकार में देखा जाए तो 500 रुपए में था, अभी तो ये 900-1000 में हो गया है, सब कुछ बढ़ ही तो रहा है। खाद्य पदार्थ का तेल बढ़ गया, महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और ये जो है घरेलू गैस भी महंगी हो गई, सब कुछ महंगाई भी तो बढ़ती चली जा रही है, और रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या इस वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? क्या वर्तमान
सरकार से कैसे खुश हो, क्योंकि जो भी फ्री डिलीवरी फ्री दिया गया था गैस, आज वो कितने जो है घरों में पड़े हुए हैं, उनको भराने के पैसे ही नहीं है, कितना महंगाई इतनी ज्यादा है। देखिए दादा कह रहे हैं कि जो है पैसा कहाँ नहीं है, तो दादा क्या कह रहे हैं, देता है यार, क्या यार, क्या आप क्या कहेंगे वर्तमान में जिस तरह सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार, ऐसी क्या क्या आप पांच काम ऐसे बताइए जो अच्छा किया, क्या सड़क बिजली पानी फ्री राशन और का चाहिए, मार तो हर गोल मिल जाए, काम होती होगी, आप आइए, बिजली कहाँ फ्री होगा, बिजली कहाँ फ्री है, बिल देखिए 24 घंटा लाइट पाता हूँ काले घर दुआ ले। दादा दादा ये बताइए बिल की, ये बताइए आप अभी बात कर रहे थे सड़क की, उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन मैं इसी रास्ते से भी आ रहा था, कितने मुक्त हैं ये, अरे एका छोड़ा ही तो माल लाना यार, हाईवे जाके देखो, हाईवे हकीकत की बात मैं कर रहा हूँ, ये बताइए जैसे बेरोजगारी लोग कह रहे हैं, कहाँ कब रोजगार रहा, कौने जमाने में रोजगार रहा, आज हर घर में एक घरे में चार ठी मोटरसाइकिल है, पहले साइकिल नहीं जुहात रही, कहाँ महंगाई है बतावा, महंगाई पे क्या कहेंगे, तेल महंगा हो गया है, कोई तेल नहीं महंगा है, एक घर में पांच गाड़ी है, लैट्रिन जाते हैं हमारे गाँव कहाँ है, सब लोग आवत ही लैट्रिन, अगर पेट्रोल महंगा हो तो लैट्रिन जाते, भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे, क्या भ्रष्टाचार कब होने जाई, मोदी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, आपके फाफा मऊ में जो विधानसभा फाफा मऊ है, फाफा मऊ है, भ्रष्टाचार कब होने खत्म हो, बात समझिए बात, राज में रहा फाफा मऊ विधानसभा है, फाफा मऊ विधानसभा गोरी हत्याकांड हो गया था, बनेगा है बनेगा, गोरी हत्याकांड पे क्या कहेंगे, कौन है हत्याकांड जो चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, कहा गोरी गोरी में, अब ये कथम का आपके ही विधानसभा में, आपको पता नहीं, आप भैया हत्या नहीं भाई, हमेशा हत्या वो शांतिपुरम में हमेशा मर्डर होता रहा, यादव मुसलमान में, यादव और मुसलमान, देखिए बात क्या है, आज कौन आई वो, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, यादव और मुसलमान की बात कर रहे हैं, बतावत है हमेशा चल रही है, अब आज कौन आई वो, तो आप जो है योगी सरकार से खुश हैं, हाँ खूब बिल्कुल 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 समर्थन है, तो अब की बार कैसा देख रहे हैं, क्या चीज अब की बार जो है विधानसभा चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं, अरे वो तो चुनाव चुनाव आपके हारी के जीती अलग बात यार, लेकिन सरकार बुरी नहीं है, ये तो भैया कह रहे हैं बुरी है, अरे अब उनका फ्री का राशन मिलता है, फ्री को हुआ है तब वो बुरी है, अच्छा वो कह रहे हैं फ्री का राशन मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, हमें नहीं चाहिए फ्री का राशन, नहीं चाहिए बंद कर दे, कोई मतलब नहीं, पाँच किलो हम एक महीना एक सदस्य पाँच किलो जो है एक महीने भी नहीं चला सकता, ये लालचपन है, लालच दे करके अंदर, ये तो यही होता है, न मारो न मोटाओ, ऐसा दे रहे हैं, जीते रहो खाते रहो लेकिन आप कुछ कर ना पाओ, एक तो मजलूम बना दे रहे हैं, एकदम बेबस बना दे रहे हैं, मजलूम बना दे रहे हैं, एकदम बैठक मतलब लोग खाते रहे, जब मिलता रहेगा खाने को तो कौन जाएगा कमाने को, ये तो ऐसे बात हुई, धीरे धीरे खाते रहो और आप कुछ करोगे भी नहीं, योगी जी मंदिर बनवा दिए हैं, मंदिर हाँ। मंदिर कोई खाने की चीज नहीं है, मतलब मंदिर से हमारा विकास नहीं हो पाएगा, मंदिर से कौन सा विकास होगा, मंदिर से थोड़ी विकास होगा विद्यार्थियों का, मंदिर से बताइए क्या लाभ होता है, देश में कोई ऐसी बताइए मंदिरों से किसी को विकास हो, मंदिर से क्या विकास होता है, मंदिर तो भाई एक अस्थायी रूप से उसमें संपत्ति लगा दिए, हजारों करोड़ लगा करके बनी पड़ी है, उससे कोई आर्थिक लाभ, किस तरफ जा रहे हैं राजनीति का जो माहौल चल रहा है, तो चुनाव को देखते हुए किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, मैं तो खुले दिल से बताता हूँ बसपा को हमेशा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसके शासनकाल में सुकून था, सभी व्यक्ति ना बड़ा ना छोटा, गरीब भी उसमें खुश थे, सभी के लिए नियम कानून बराबर होते हैं ऐसा कहा गया है, तो नियम कानून उनके ही शासनकाल में सबके लिए बराबर था, कोई किसी को मतलब संरक्षण देती थी और कोई किसी को दबा नहीं सकता था, परेशान नहीं, उत्पीड़न नहीं, आज तो कितना भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जगह जगह पे जो है ऐसे जला दिया जा रहा है, देखिए अभी उधर हाथरस में हुआ, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, बताइए बलात्कार भी हुआ, जिंदा जला दिए, रातों रात प्रशासन ने उसको, बताइए प्रशासन किसके तरफ है, जिसकी सरकार है ऐसा लगता है कि उसी की तरफ प्रशासन भी मिला हुआ है, तो हम लोग खुला महसूस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इसमें हम लोगों को डर सा महसूस है, चारों तरफ आक्रोश है, चारों तरफ आक्रोश है, डर है।
तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं लग रहे अपनी नज़र से? समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, जहाँ तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से हम उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं रखेंगे, उसको भी दूसरे पायदान पर रखेंगे समाजवादी पार्टी को। तो वर्तमान में जो सरकार है उससे तो नाखुशी है? हाँ, इससे तो हम नाखुश हैं, क्योंकि हम लोगों का जो है चौपट हो गया, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई। क्योंकि जहाँ भी जाइए, आज हम लोग शिक्षा के नाम पर अगर बैंकों से लोन भी लेने जाएँ तो बैंक भी मना कर देता है, 25 तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसको लाने में हम असमर्थ हैं। भाई आप किस तरह के परेशान हो जाएंगे, तो हम लोग कैसे एजुकेशन अपना बढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई? जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कि सियासी राजनीति जो है गर्म है, एक तरफ जो है योगी जी के समर्थक और दूसरी तरफ जो है बसपा के समर्थक हमारे बीच में मौजूद थे, और विधानसभा फाफा मऊ के किनारे जो खरगापुर गांव पड़ता है वहां पे हम मौजूद थे। आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासी राजनीति गर्म है। इसी के साथ चैनल को देखते रहे, चैनल सब्सक्राइब करें।